कि टेंशन जब आए तो तन्हा मत रहा करो, तन्हाई में टेंशन बढ़ जाता है। आप अगर अकेले कहीं बैठे रहे तन्हाई में तो टेंशन बढ़ जाएगा, सोचते रहेंगे, गिरते जाएंगे। आपको जब कभी टेंशन आए चले जाएं किसी से बात करने के लिए, किसी से शेयर करें आप, किसी से उसका जिक्र करें, किसी से पूछें, किसी से बात करें। दूसरी चीज ये कि टेंशन जब कभी आए तो उस टेंशन पर ज्यादा फोकस करने की बजाय माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लिया करें, दूसरी तरफ थोड़ा सा कर लिया करें। तो आपका माइंड जब डाइवर्ट होगा तो आपको टेंशन थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये भी याद रखें कि जब कभी अल्लाह ना करे कोई टेंशन या स्ट्रेस वगैरह हो तो बहुत आसान तरीका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कभी हम बेकरार होते हैं, बेचैन होते हैं, सरकार इसका कोई इलाज बताइए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कभी तुम्हारी तबीयत बेचैन हो, गमगीन हो जाओ, टेंशन में हो, घर से वजू करो, मस्जिद के लिए निकलो। अगर मस्जिद में कुरान मुकद्दस का दर्स चल रहा है उस दर्स में बैठ जाओ, और अगर दर्स नहीं चल रहा तो मस्जिद में कुरान खोल कर बैठ जाओ, तुम्हारे सीने पर अल्लाह सुकून नाजिल फरमाएगा। पॉइंट पर नहीं कि जाके वहां दो चार सिगरेट पी करके आ जाए, हुक्का पार्लर में जाके हुक्का पी करके आ जाए, नहीं, उससे टेंशन आपका हल्का नहीं होगा। लेकिन आप कुरान पढ़ेंगे, इसको मैं एग्जांपल के जरिए समझाऊं, आपका अल्लाह ना करे किसी का भी अल्लाह ना करे दो चार करोड़ का लॉस हुआ और किसी ने आपसे आपके क्यों टेंशन लेते हो यार, मैं कल भिजवा देता हूं तू वो कर लेना, अब उसके सेंटेंस के बाद आपका टेंशन खत्म होगा कि रहेगा, बताइए ना यार, आप बताइए, खत्म हो जाएगा ना। जब इंसान के जुमले तसल्ली दे सकते हैं तो कुदरत का कलाम तसल्ली नहीं देगा। जब इंसान के जुमलों में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारा टेंशन हल्का कर दे तो अल्लाह की किताब के अंदर ताकत नहीं कि वो तुम्हारी टेंशन को दूर कर दे, उस किताब में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे टेंशन को हल्का कर दे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस चीज को आप खास तौर में, खास तौर पर जहन के अंदर रखें कि अल्लाह न करे कभी ऐसी चीज हो जाए तो तिलावत कुरान मुकद्दस करें, अल्लाह का जिक्र करें, इस्तिग़फ़ार करें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बहुत गमों में हम गिरफ्तार हैं, कोई गम का इलाज बताइए। अब ये मैं आपको जो वजीफा बता रहा हूं ना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये 99 बीमारियों का इलाज है, उनमें सबसे छोटी बीमारी टेंशन है। जिस बीमारी को हम सबसे बड़ी समझ रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ये 99 बीमारियों का इलाज है, जिनमें से सबसे छोटी बीमारी गम है, फिक्र है, टेंशन है। तो आप मुझे बताइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें ये तरीका अता फरमाया, इस तरीके पर हमें अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। बस दो चार